पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और दूसरे चरण में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की दस्तक के बाद और आगामी होली के त्यौहार और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। और इसी को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे ने अति संवेदनशील इलाके में पहुंचकर लोगों के साथ में बैठक कर लोगों से अपील की। वहीं एसपी ने बताया कि बैठक के तीन मुख्य उद्देश्य हैं जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, होली के त्यौहार के साथ कोरोना के दोबारा संक्रमण फैलने से बचाने और आगामी होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए सभी लोगों को एकत्रित किया गया है। उसमें लोगों को बताया गया है कि सभी लोग निष्पक्ष और निर्भीक रूप से अपने मतदान का प्रयोग करें और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराएं। देखिए, बैठक का मुख्य उद्देश्य तीन उद्देश्य हैं जो हमारे सामने चुनौतियां हैं। एक तो होली का त्यौहार है, दूसरा COVID-19 का प्रसार जो हो रहा है सेकेंड फेज का वो है, और तीसरा हमारे आगामी पंचायत चुनाव है। इसको देखते हुए सभी लोगों को ब्रीफ किया गया है कि सकुशल और निष्पक्ष रूप से अपने मतदान का प्रयोग करें और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराएँ। इसके अलावा कोविड को देखते हुए मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा गाइडलाइन जो सरकार की है उसको देखते हुए उसका पूर्णतः अनुपालन करें और कोई जुलूस आदि न निकालें, और निकालना हो तो उसकी पूर्व में परमिशन ले ली जाए।